अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम सेटिंग ऑफ डाटा के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई प्लान रोड का है या बिल्डिंग का है या फुटिंग का है, कोई भी आपके पास प्लान है, ठीक है, और आपको उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, तो वो आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिविल 3D को यूज़ करते हुए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे कुछ पार्किंग्स हैं, रोड्स हैं, ठीक है, और राउंड अबाउट है, ठीक है। अभी सपोज अगर पास हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इसके स्टार्ट एंड में जो है हमारे पास जो भी है, अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ जाए तो हम साइट में इसकी आराम से सेटिंग आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास जो यहाँ पे पार्किंग है, ठीक है, अगर इसके हमारे पास ये कर्व के पॉइंट आ जाए और ये स्ट्रेट लाइन के पॉइंट आ जाए, ठीक है, और ये जहाँ पे ये जो आइलैंड बना हुआ है इसके ये एज इसके पॉइंट आ जाए तो इसकी हम इजीली मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये क्रिएट ग्राउंड डाटा पैनल में पॉइंट्स है, ओके, पॉइंट क्रिएशन टूल है, ओके। यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है पॉइंट क्रिएशन में, ठीक है, कुछ सेटिंग करनी है, ठीक है, पॉइंट पार्ट एलिवेशन, ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नन लिखा होता है, ठीक है, यहाँ पे ये जो तीन ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ में नन लिखा होता है, कुछ में ऑटोमेटिक लिखा होता है, तो आपने यहाँ से इसको ऑटोमेटिक पे सबको सेलेक्ट कर देना है। और अगर आप कुछ पार्टिकुलर पॉइंट जिनके साथ आपको डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, ठीक है, अगर आप स्टेप वाइज इसको करते हैं तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन हर दफ़ा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, रोड एज है, रोड सेंटर लाइन है, ठीक है। तो मैं इसको एज इट इज़ ही ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं ले रहा, मैं जस्ट इसको यहाँ से एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। और ये जो फर्स्ट टूल है यहाँ पे मेरे पास ये जो ऑटोमेटिक की ऑप्शन है, मैं इसको लेता हूँ, ठीक है। और अभी मुझे ड्राइंग, ये आप देख सकते हैं कमांड लाइन में, कमांड बार में सिलेक्ट आर्क लाइन लॉट लाइन एंड फीचर लाइन, तो मैं इस सारे डाटा को मैं एक ही दफ़ा सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक किया, एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये डाटा क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, तो हम इसका वेट करते हैं। डेटा पूरा प्लॉट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है पूरा डाटा जो है वो ड्राइंग में शो हो गया, ओके। अगर आप इस प्लान पे यही कोऑर्डिनेट जो है एज इट इज चाहते हैं तो आप एज इट इज भी इनको प्लॉट कर सकते हैं। मैं इनका थोड़ा सा स्टाइल चेंज करता हूँ, यहाँ पे ईस्टिंग नॉर्थिंग आ रहा है मेरा, मैं इसके साथ पॉइंट नंबर भी जो है वो ऐड कर देता हूँ। इसी पॉइंट को मैं इधर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थिंग ईस्टिंग है बाय डिफॉल्ट जो है, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट जो है वो ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पॉइंट नंबर का नेम दे देता हूँ और यहाँ पे लेबल स्टाइल में मैं इसको पॉइंट नंबर सेलेक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ पे जो आपने लेबल लगाने हैं आप उन तीनों का कलर जो है डिफरेंट रखें, ताकि सम टाइम हमें कुछ सिलेक्शन करनी होती है, हम ये डाटा जो है बाद में कैड फाइल में यूज़ करते हैं, तो फिर इसकी सिलेक्शन जो है, अगर ये सारे स्टाइल सेम होंगे तो इसकी सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अगर आप इसको डिफरेंट कलर में ही सिर्फ रखेंगे या डिफरेंट फॉन्ट में रखेंगे तो इसकी सिलेक्शन आप इजीली, जब आप इसको डाटा को अगर आप एक्सक्लूड कर देते हैं बाद में, तो इसको सिलेक्ट करना बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है
फीचर है, फीचर हमारे पास क्या है, नॉर्दिंग ईस्टिंग है, ठीक है। और इसके आप इसको यहाँ पे, ये मिडल सेंटर है, मैं इसको टॉप लेफ्ट करता हूँ, ओके। हाँ ओके, मिडल लेफ्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको वाई एफ सेट कर देता हूँ, मैं इसको 0.25 करता हूँ, ओके। ओके, ये ऑलमोस्ट जो है इसी के ऊपर आ गया है अभी, ठीक है। इसके बाद आपने इसको अप्लाई कर देना है, उसके बाद जहाँ पे आपका नॉर्थिंग और ईस्टिंग है आपने इसको एडिट करना है। ये जो नॉर्थ की वैल्यू है, ठीक है, इसका आपने कलर चेंज कर लेना है। मैं इसका कलर कोई भी एक नॉर्मल कलर रख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 18, सॉरी, इसका मैंने ग्रीन कलर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है, और ओके। इसी पे आपने दोबारा आना है और इसको सेलेक्ट करना है, ओके। और इसका कलर भी आपने चेंज कर लेना है, मैं इसको रेड कर रहा हूँ, ओके ओके ओके। पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है सिस्टम, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सब पॉइंट के साथ ये अपडेटेड हो गया है। तो अगर तो आप ये प्रिंटिंग जो है इसकी, ठीक है, इन्हीं लेवल के साथ करना चाहते हैं तो आप प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, और अपनी ड्राइंग जो है जब आप साइट पे काम करेंगे और साइट पे लेके जाते हैं तो फिर आपने जो जो शीट्स वगैरह है आपने प्लान किया हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आप वो ये इसके साथ ही पॉइंट नंबर के साथ ये वैल्यू भी मिल जाएगी। अगर आपको ये वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ पॉइंट नंबर चाहिए, तो फिर आपको साथ में इसके एक्सेल में ये डाटा प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये लेबल ऑफ भी कर सकते हैं इसका, ईस्टिंग और नॉर्थिंग का, ठीक है। और इसके बाद जो है इन पॉइंट्स को आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, हम वो देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरे ड्राइंग में ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 से ही स्टार्ट है, ठीक है। तो ये जो ओके ऑल पॉइंट्स में है, ओके एक्सपोर्ट पॉइंट्स, ओके पॉइंट ईस्टिंग नॉर्थिंग दैट एलिवेशन। तो इसके में हमारे पास जो है पॉइंट ईस्टिंग और नॉर्थ ही है हमारे पास, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं ये जो फॉर्मेट है फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है ओके, ये मैंने फाइल नेम दे दिया इसको और मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ। पॉइंट हमारे एक्सपोर्ट हो गए हैं, अभी हम इसको फोल्डर में चेक कर लेते हैं। फाइल हमारी आ गई है, ठीक है, ये मैंने फोल्डर को ओपन किया है, ये टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद एक्सेल करता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट इसमें नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ऐप पूछा जा रहा है मुझको, तो मैं इसको डायरेक्ट इसी से ट्राई करता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं एक्सेल सेलेक्ट करके ओके करता हूँ, फाइल हमारी ओपन हो गई है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट किया है, डाटा टेक्स्ट टू कॉलम नेक्स्ट, ओके, इसका सारे ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें, नेक्स्ट और फिनिश में कर लेता हूँ उसमें। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डाटा हमारा है वो आ गया है, ठीक है, डाटा पूरा बन गया है इसमें, ओके। ये जो हमारे पॉइंट नंबर स्टार्ट हुए हैं वो 313 से स्टार्ट हुए हैं, पहले कुछ पॉइंट उसमें थे जो मैंने डिलीट किए थे। इन पॉइंट को अगर आप लोग शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, ऑलरेडी ये जो है सीरियल में है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अगर ये सीरियल में नहीं आते तो आप इसको शॉर्ट
सॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने जस्ट इनकी हेडिंग्स देनी है, ये पॉइंट नंबर है, ये ईस्टिंग है और ये नॉर्थिंग है। ओके, अगर आपके वहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन होती तो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आ जाती। एलिवेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो ये सेटिंग आउट का डाटा था, पॉइंट नंबर ईस्टिंग और नॉर्थिंग के हिसाब से ये आ गया है। बाद में आप ये जो डाटा है आप इसको इन कॉलम्स में अपने हिसाब से अरेंज करके, ठीक है, ताकि आपके प्रिंट आउट ज़्यादा ना बने, ठीक है, आप अरेंज करके तो उनको किसी भी पेपर स्पेस पे अरेंज करके आप उनको प्रिंट करके अपना साइट वर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।